हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रेडिबल इंडिया। और मैं आ गई हूँ अलीगढ़, और मैं ऐसी एक अलग सी जगह पे आई हूँ। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर अलीगढ़ की एक बहुत ज़्यादा फेमस दरगाह पे आई हूँ। और बहुत ज़्यादा मैंने इसका सुना था इसके बारे में, तो मुझे लगा जब मैं अलीगढ़ आई हूँ तो मुझे यहाँ पे आना चाहिए। हालांकि मैं कई बार आ चुकी, लेकिन ऐसा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ है कि मैं यहाँ पर आ सकती। शायद उनका मेरे लिए बुलावा नहीं था, लेकिन अब अल्लाह की तरफ से उनकी मेरा बुलावा आया, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। और मैं आपको यहाँ पर ये दरगाह दिखाना चाहती हूँ, तो आप इस ज़रिए मेरी इस वाली वीडियो को आप देखिए और इस दरगाह को आप देख सकते हैं। और सुनाई यहाँ पे जो भी मुराद मांगते हैं वो पूरी होती है, तो हम भी कुछ मांग के देख लेते हैं और आप लोगों को यहाँ की दरगाह की दीदार करा देते हैं। तो चलते हैं अंदर, और बस आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अंदर और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ की ये जो दरगाह कैसी है और क्या है, कैसे आप आ सकते हैं कैसे नहीं, तो दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ से सारा कुछ। तो गाइस, हम लोग ये दरगाह बाबा हजरत बंशी बहादुर रहमतुल्लाह के यहाँ पर, ये दरगाह का नाम है, और यहाँ पे आए हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखा सकती हूँ उनका नाम जो है, और काफ़ी बहुत ज़्यादा पुरानी दरगाह है। और यहाँ पे ज़्यादातर सबकी बहुत ज़्यादा जो मन्नत हैं, बहुत ख्वाहिशें सबकी पूरी होती हैं। आज तक जिन्होंने भी यहाँ पे कुछ मांगा है वो सब यहाँ पे जो हैं ख्वाहिशें उनकी पूरी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे लगा मुझे यहाँ पर आना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए, तो मैं आपको इसीलिए इस दरगाह पे लेके आई हूँ। और बाकी आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, अगर आप इस दरगाह पे आना चाहते हैं तो वो भी मैं बताऊँगी आपको, लेकिन पहले आपको दीदार करा देते हैं अंदर से, और मैं दिखाती हूँ कि जो बाबा की दरगाह है वो कैसी है, क्या है क्या नहीं, आप किस तरह से आ सकते हैं यहाँ पर, किस तरह जो भी छीनी है, चादर है, क्या आप वहाँ पर चढ़ा सकते हैं कैसे, तो दिखाती हूँ आपको अंदर से। और देखते रहिए अंदर से, देखने के लिए रेडी हो। तो गाइज़, ये है इसका जो अंदर जाने का दरगाह का दरवाज़ा, और इधर से करते हैं यहाँ से एग्ज़िट, और इधर से इसमें एंटर करते हैं। और बाकी जो दरगाह है काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे काफ़ी जो इसका आंगन सा बना हुआ है ये काफ़ी बड़ा है। और गाइज, मैं आपको दिखाने आई हूँ, ये देखिए ये दरगाह है, और तो यहाँ पर जो कि सीनी वगैरह जो होती है वो चढ़ाई जाती है। और गाइस, यहाँ पे लेडीज़ को अलाउड है, जैसे कि हमारे यहाँ दिल्ली में निज़ामुद्दीन की दरगाह है, वहाँ पे लेडीज़ अंदर नहीं जाती हैं, बट यहाँ पे लेडीज़ अलाउड हैं यहाँ पर। गाइस, ये जो दरगाह है मैंने अंदर से आपको दिखा दी, अब हम जा रहे हैं बाहर, और बाहर जाके हम बहुत सारी बातें करेंगे और मैं बताऊँगी आपको कि यहाँ पर कैसे आना है कैसे नहीं, आप किस तरह से आ सकते हैं। और बाहर से कुछ इस तरह से इसका दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी चूँकि दरगाह पे ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, बट अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा रश कम है, जिससे लॉकडाउन ख़त्म हुआ है और कोरोना की वजह से ज़्यादा पब्लिक अभी इतनी ज़्यादा आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर यहाँ पे लोग बाग आ रहे हैं। तो गाइस, मैंने आपको ये दरगाह दिखा दी है, और यहाँ पे जुमेरात को आते हैं, ये अलीगढ़ में दरगाह है, और ज़्यादातर कठपुला जो है वहाँ के एरिया में ये दरगाह पड़ती है, और बहुत ज़्यादा अच्छी मैंने आपको दिखा दी है। और बाकी आपको मेरी ये जो दरगाह की वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं, आप मुझे कमेंट करके मेरे चैनल पे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं और भी अच्छी अच्छी जगहों पर, जो कि अलीगढ़ की बहुत ज़्यादा फेमस जगह हैं, उन जगहों पे मिलते हैं। तो बस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं बाद में, ठीक है, बाय, अल्लाह।